देवकी का आठवां पुत्र कहीं जन्म ले चुका है। नहीं नहीं, मेरा काल कहाँ है? कहाँ छिपा है मेरा काल? सामने क्यों नहीं आता? महाराज, वह केवल एक बालक है। उसके पीछे हम इस अवस्था में पहुंच गए, यह देखकर हमें बहुत पीड़ा होती है। पीड़ा होती है तो कुछ कर क्यों नहीं रहे? कौन सी मायावी शक्ति है जो उसकी रक्षा कर रही है? वो कौन है जो कंस से शत्रुता लेना चाहता है? वो कौन है जिसे अपने प्राणों का भय नहीं? क्षमा कीजिए महाराज, परंतु भयभीत तो आप दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मैं भयभीत हूँ। कैसे विडंबना है कि कंस एक बालक से डरे? उस बालक की खोज में 10 वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक कोई इसका संकेत ही नहीं। तो क्या 10,000, 10,00,000, 10 कोटि वर्ष तक भी तुम खोजते रहो तो भी वह बालक तुम्हें नहीं मिलेगा, यदि वो स्वयं तुमसे न मिलना चाहे। यदि आप उस बालक के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं तो यह भी जानते होंगे कि वह बालक कहाँ है। हाँ, उन्हीं की इच्छा से ही जानता हूँ और उन्हीं की इच्छा से तेरा भी जानने का समय आ गया। कंस, तेरा काल देवकी और वासुदेव का आठवां पुत्र कृष्ण वृंदावन में नंद और यशोदा के यहाँ अपने भाई बलराम के साथ में पल रहा है। वसुदेव और देवकी ने मेरे साथ छल किया है और मैं अपने वसुदेव और देवकी ने मेरे साथ छल किया है। क्रूर जी, अब मैं अपने प्यारे भांजे के बिना नहीं रह सकता। आप तुरंत वृंदावन जाइए और मेरे प्यारे भांजे को मलयुद्ध की प्रतियोगिता के लिए निमंत्रित दीजिए और मैं भी अपने भय पर विजय जरूर पाऊंगा। मेरा काल जहां कहीं भी होगा मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। जी महाराज। मेरे किसी पुण्य कर्मों के कारण ही आज मुझे श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन होंगे। श्री भगवान अब साधारण मानव के रूप में अवतरित हुए हैं और ये मेरा परम सौभाग्य होगा कि आज मैं उनके दर्शन प्राप्त करूंगा। परंतु ये क्या, मैं उनके दर्शन उनके शत्रु के संदेशवाहक के रूप में कर रहा हूँ, ये कैसी विडंबना है? परंतु परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं, अतः उन्हें अवश्य ही मेरे हृदय भावना का ज्ञान होगा। प्रभु, आपको देखने के लिए मैंने कितने वर्ष प्रतीक्षा करी और आज आप सामने हो, फिर भी विश्वास नहीं होता। अक्रूर काका, आपके आगमन से हम धन्य हो गए। कृष्ण, कंस एक क्रूर और अत्याचारी शासक है। उसने राजधर्म को ताक पर रख दिया है और अपने राक्षस साथियों के साथ मिलकर बहुत अन्याय कर रहा है। महाराज, उग्रसेन को उसने बंदी बनाकर अपने आप को चक्रवर्ती घोषित कर दिया है। तुम्हारे माता पिता के साथ उसने बहुत अन्याय किया है। तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे 6 सगे भाइयों की निर्मम हत्या की है, जिसे बताने के लिए ना मेरे पास शब्द है और ना साहस। कृष्ण, कंस ने एक राष्ट्रीय मल्लयुद्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया है जिसमें उसने तुम्हें भी आमंत्रित किया है। वह सबके सामने तुम्हारा वध करना चाहता है और ये अशुभ समाचार तुम तक पहुंचाने का दुर्भाग्य मुझे सौंपा गया है। आप चिंतित न हो काका, क्यों कृष्ण, हम तो बहुत उत्सुक हैं अपने मामा श्री से मिलने के लिए। तुम हमें इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकते। हे भाग्य, तुम कितने क्रूर हो। जब कृष्ण
कृष्णा के दर्शन हमें हो जाते हैं तो तुम सदैव हमें उनसे दूर करने का ही आयोजन करते रहते हो। कृष्णा को तो हमेशा नवीन मित्र ही चाहिए, उन्हें तो किसी से अधिक समय तक मैत्री रखना पाता ही नहीं। हमें भय है कृष्णा, जब तुम मथुरा चले जाओगे तब तुम उनके हो जाओगे और हम जैसे भोले भाले गोपियों को भूल जाओगे। इससे तो यह प्रतीत होता है कि कृष्ण बुद्धिमान और तुम गोपियों तुम्हारा अनन्य प्रेम तो अपनी गहराई ऊंचाई पवित्रता और दिव्यता की भक्ति से परिपूर्ण है और तुम ना तो तुम इस प्रेम की शिरोमणि हो। मैं ना ही तुम्हारे प्रेम की बराबरी कर सकता हूँ, तो मुझे क्षमा कर दे दादे, मुझे मथुरा जाना ही होगा। संसार को मेरी आवश्यकता है, इतिहास मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। श्री कृष्ण और बलराम जी का मथुरा में प्रवेश हुआ तो सभी नगरजन उनके सम्मान में एकत्रित हो गए और भीड़ इकट्ठी हो गई। कान्हा, ये चंदन की मधुर सुगंध कहाँ से आ रही, इसको उबड़ी से तोड़ नहीं आ रही। चलो चलते देखते हैं। नटखट चलो, हटो हटो यहाँ से, रास्ता छोड़ो। कैसे छोटे, तुम्हारे इस डिब्बे में से तो मधुर सुगंध आ रही है, क्या छुपा रखा है? ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मैं महाराज के लिए लेकर जा रही हूँ। अरे सुंदरी सुनो, अरे सुंदरी सुनो,